गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के सभी फार्मूले रिवाइज कराए और उसकी ग्राफिकल एनालिसिस कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज मैं जो टॉपिक डील करने जा रहा हूँ वह आरएल सीरीज विद डीसी सोर्स, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसका डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट होता है ग्रोथ ऑफ करेंट, सेकेंड पार्ट होता है डीके ऑफ करेंट। तो इसके सभी डेरिवेशन हम लोग पहले से कर चुके हैं, आज हम लोग इसके ग्राफिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट होगा ग्रोथ ऑफ करेंट। अब देखिए इसमें करेंट का फार्मूला क्या डिराइव हुआ था, फिर उसका ग्राफ कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों, इसमें एक रजिस्टर होता है और एक इंडक्टर होता है, आर और एल दोनों सीरीज में होते हैं। जब रोटरी स्विच को टीक्वस जीरो पर टर्मिनल वन से कनेक्ट कर देते हो तो बैटरी इंट्रोड्यूस हो जाती है और बैटरी अपने ईएमएफ की वजह से करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर पुश करती है। तो इसमें करंट क्लॉकवाइज मूव करने लगती है और धीरे धीरे ये करंट ग्रो करने लगती है। तो हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया था इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड और स्टेडी वैल्यू ऑफ करेंट टी बाई आर। तो बच्चों, करेंट का डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, इसके ग्राफ के एनालिसिस आज करने जा रहे हैं। तो डिराइव करने पर करेंट कितनी आई थी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बच्चों, डिराइव करने पर करेंट का जो फॉर्मूला आया था, आई इक्वल साइन नॉट इन टू वन माइनस ई पार माइनस टी बाई टाउ। टाउ था इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, दैट इज एल बाई आर, और आई नॉट था पीक वैल्यू ऑफ करेंट, दैट इज ई बाई आर, इज इट। और ये ग्रोथ ऑफ करेंट का फार्मूला डिराइव होकर आया था। तो ग्राफ का पैटर्न समझने के लिए डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे हम लोग। सो लेट अस डू फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट। सो डी आई बाई डी टी, दैट इज डी डी टी ऑफ आई, आई की वैल्यू ब्रैकेट में लिखा, I नॉट कॉन्स्टेंट को डिफरेंशियल के बाहर निकाला, सो निकाल दिया, मिलेगा आई नॉट इन टू डी डी टी ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। फिर वन का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, लिख दिया, माइनस को रिपीट किया, ई पावर माइनस टी बाई टाउ को डिफरेंशिएट करो, इंटरनल कॉन्स्टेंट माइनस वन बाई टाउ कॉपी पेस्ट होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट होता है। बच्चों, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, फिर आपको मिलता है नॉट बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, आई मीन टाइम के किसी भी डोमेन में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। सो आपका फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, आई मीन करेंट का ग्राफ इंक्रीजिंग आपको दिखाई देगा। कर्वेचर के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पर आइए। सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स डी टू आई बाई डी टी टू, डी टू आई बाई डी टी टू, यू मस्ट से डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव को ब्रैकेट में लिखो, आई नॉट बाई टाउ को बाहर निकालो, इंटरनल कॉन्स्टेंट को कॉपी पेस्ट करो, माइनस वन बाई टाउ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिपीट करो। बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर होंगे माइनस आई नॉट बाई टाउ स्क्वायर इन टी पावर माइनस टी बाई टाउ। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, आई मीन सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। प्यारे बच्चों, जब सेकेंड डेरिवेटिव टाइम का हर डोमेन में नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ आपका कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स अपसाइड दिखेगा। देन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी यू, इज इट, एट एनी मोमेंट टी इक्वल्स टी, यू इक्वल्स यू एल, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ एल को लिख डालो, आई का फॉर्मूला पुट कर डालो, फिर स्क्वायर करो, तो बच्चों मिलता है यू इक्वल्स हाफ एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर।
ये क्वांटिटी पीक वैल्यू होगी, इसलिए इसको सिंबल यू नॉट दे दो और इस ब्रैकेट को रिपीट कर डालो। अब बच्चे हम लोग इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा दिखेगा, इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। ग्राफिकल एनालिसिस, फॉर्मूले को रिपीट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव होगा डी बाय डी टी, दैट इज डी डी टी ऑफ यू। यू की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिख डाली, यू नॉट कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल डाला। फिर मिलेगा बच्चों डी डी टी ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाओगे, जब चेन रूल लगाओगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा टू इंटू वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। फिर इस पूरी क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, तो वन का डेरिवेटिव जीरो आएगा। फिर माइनस रिपीट करोगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस वन बाई टाउ कॉपी पेस्ट होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट होगा, ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे बच्चों। मिलेगा टू यू नॉट बाई टाउ इन टी पावर माइनस टी बाई टाउ, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट मिलेगा वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। इज इट प्यारे बच्चे, हम लोगों को पता है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो टाइम के किसी भी डोमेन में इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन वन होगी। जब ये लेस देन वन होगा तो ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ड्यू बाय डीटी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, टाइम के हर एक डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बच्चों यू का ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नाउ कम टू सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज डी टू यू बाई डी टी टू, दैट इज डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ब्रैकेट में लिख डालो, इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, निकाल दिया, डी डी टी ऑफ इस पूरी क्वांटिटी को लिख डालो। यहाँ भी बच्चों प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, डिफ्रेंशिएट करो, आता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसके डेरिवेटिव में वन का जीरो हो जाता है, माइनस वन बाई टाउ इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मिलता है वन बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ इट प्लस सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। प्यारे बच्चों इसको कई बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हो, अब आपको ये लर्न हो गया होगा कि इसका डेरिवेटिव आता है माइनस वन बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। आप देख सकते हो कि वन बाई टाउ कॉमन आने वाला है, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ से टाउ कॉमन आएगा, ई पावर माइनस टी बाई टाउ यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से टाउ, यहाँ से ई पावर माइनस टी बाई टाउ कॉमन आएगा। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के बाहर आता है टू यू नॉट बाई टाउ स्क्वायर इन टी पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों टू इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस वन, या खुद से देख लेना। अब इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। प्यारे बच्चों मैंने फिजिकल मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया है कि जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उस पॉइंट पे फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो मैंने सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो किया, फिर सेकेंड डेरिवेटिव की पूरी वैल्यू यहाँ पे ला के पुट किया, इक्वल टू जीरो किया, ये जीरो नहीं हो सकते, किसी रियल टाइम पर ये जीरो नहीं हो सकते, ये क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। जब ये क्वांटिटी जीरो करोगे बच्चों यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर टू से डिवाइड हो जाएगा, ई पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू आएगी टू पावर माइनस वन। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे तो आएगा ई पावर टी बाई टाउ इक्वल्स टू, फिर लॉग लेंगे ई बेस पर, लेफ्ट साइड में आता है टी बाई टाउ एल एन ई, एल एन ई की वैल्यू वन, राइट साइड में आता है एल एन टू,
एलिन का बेस सी माना जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। यार बच्चों मैथ की लैंग्वेज में इसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, टाइम टी की क्रिटिकल वैल्यू, जहाँ पे आपको क्या मिलने जा रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मीनिंग होता है कि इसके इस पॉइंट के एक तरफ आपका ग्राफ कॉन्वेक्स दिखेगा तो दूसरी तरफ कॉनकेव दिखेगा, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड ऑल्सो फॉर उस ये एनालिसिस तुम खुद से कर लेना, ऑल्सो फॉर टी लेस देन टाउ एल एन टू सेकेंड डेरिवेटिव कम्स आउट पॉजिटिव, ये आप चेक कर लेना खुद से। आई मीन टी की वैल्यू जब टाउ एल एन टू से लेस होगी, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, आपका ग्राफ दिखेगा कॉनकेव अपसाइड। और टी की वैल्यू जब टाउ एल एन टू से ग्रेटर होगा, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, मतलब आपका ग्राफ दिखेगा कॉन्वेक्स अपसाइड। और टी के एग्जैक्टली इस वैल्यू पर आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बच्चों अल्टीमेटली मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूँ जो एनालिसिस करने पे मिलता है। इस फंक्शन यू का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। यू आई मीन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा जिसका टी वैल्यू आया टाउ एल एन टू। बच्चों ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके लेफ्ट साइड में आपका ग्राफ इंक्रीजिंग कॉनकेव दिखता है और उसके राइट साइड में आपका ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स दिखता है। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टाउ एल एन टू। बच्चों इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो फार्मूले से पता चलती है। इस फार्मूले में जब टी को जीरो पुट किया जाएगा, टी पावर जीरो वन आएगा, वन माइनस वन जीरो आएगा, यू के स्टार्टिंग वैल्यू जीरो आएगी, यू के स्टार्टिंग वैल्यू जीरो आएगी। जब लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद इन्फिनिटी हो जाएगा, टी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ वन बचेगा, तो यू की वैल्यू यू नॉट के बराबर होगी। इनफाइनाइट टाइम के बाद यू की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यू नॉट के बराबर होगी। और यू नॉट की ये वैल्यू मैं आपको प्रूफ करके दे चुका हूँ, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होगा और ये लेफ्ट साइड में कॉनकेव अपसाइड आएगा, राइट साइड में कॉनवेक्स अपसाइड आएगा। बच्चों जितनी मैंने एनालिसिस करी वो पूरा का पूरा इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। कंपटीशंस के लिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि ऐसा दिखता क्यों है। बच्चों नेक्स्ट फार्मूला है इंडक्टिव वोल्टेज VL। इंडक्टिव वोल्टेज VL का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन इंडक्टर। इसका फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एट टी इक्वल्स टी VL इक्वल्स एल डी आई बाई डी टी, आई मीन एल इंटू डी डी टी ऑफ आई, आई की वैल्यू पुट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, ई बाई आर को बाहर निकालो, वन का डिफरेंशियल जीरो होगा दिखा दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे इंटरनल कांस्टेंट कॉपी पेस्ट होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट होगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, एल एल से कटेगा आर आर से कटेगा, खाली ही बचेगा। तो फॉर्मूला मिलता है बच्चों ये इंटू ई पावर माइनस आर टी बाई एल, एल बाई आर को टाउ लिखते हैं, तो जब एल बाई आर को टाउ लिख दिया जाएगा तो फाइनल फार्मूला आता है e इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। बच्चों ये सिंपल फंक्शन हम लोग कई बार एनालिसिस कर चुके हैं, ये डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड दिखता है, बार बार इसके दोबारा एनालिसिस करना ठीक नहीं है, तो मैंने सीधे सीधे डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड दिखा दिया। टी इक्वल जीरो पर VL की इनिशियल वैल्यू e के बराबर होगा, तो VL की इनिशियल वैल्यू EMF दिखा दिया, टी हो गया VL का ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड। देन नेक्स्ट क्वान्टिटी, योर नेक्स्ट क्वांटिटी इज रेजिस्टिव वोल्टेज वी आर। इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गिवन रजिस्टर आर। आर टी इक्वल्स टी वी आर का फॉर्मूला होता है इन टू आर, आई का फॉर्मूला जो डिराइव किया था पुट कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर आर कैंसिल आउट हो गया, वी आर की वैल्यू आती है ई इंटू वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ।
बच्चों आपको पता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसके एनालिसिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इंक्रीजिंग होता है, कॉन्वेक्स अपसाइड होता है, इंक्रीजिंग होता है, कॉन्वेक्स अपसाइड होता है, और वी आर के स्टडी वैल्यू इक्वल टू एम एफ होता है। फिर भी एक बार करके देखते हैं दोबारा से। वी आर का फॉर्मूला लिख दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, डीडीटी ऑफ वी आर पुट किया, ईएमएफ कांस्टेंट बाहर निकाला, डीडीटी ऑफ दिस, डीडीटी ऑफ वन इज जीरो जीरो लिख दिया, माइनस को रिपीट किया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इंटरनल कांस्टेंट माइनस वन बाई टाउ यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये मिलेगा ई बाई टाउ इन टी पर माइनस टी बाई टाउ। फर्स्ट डेरिवेटिव आता है बच्चे ई बाई टाउ इन टी पर माइनस टी बाई टाउ, ये पूरी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा जो कि ग्राफ में दिखाया गया। नाउ कम टू सेकेंड डेरिवेटिव, डी टू वी आर बाई डी टी टू, दैट इज डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट किया, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाला, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, माइनस वन बाई टाउ कॉपी पेस्ट करोगे, एक्सपोनेंशियल को रिपीट करोगे, ये आता है माइनस ई बाई टाउ स्क्वायर इन टी पावर माइनस टी बाई टाउ। यार बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम की किसी भी डोमेन में क्वांटिटी नेगेटिव होगी, और जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो आपका ग्राफ कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स अपसाइड। तो आपका ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा और कॉन्वेक्स अपसाइड होगा। देन नेक्स्ट क्वांटिटी इज पावर डिसिपेटेड पीडी। पावर डिसिपेटेड पीडी एट टी इक्वल्स टी जूल्स हीटिंग इफेक्ट। पीडी का डेफिनेशन होता है डीएच बाय डीटी, ओरिजिनल फार्मूला होता है स्क्वायर आर। बच्चों आई की वैल्यू पुट किया, फिर स्क्वायर किया, फिर आर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मिलेगा स्क्वायर बाई आर, फिर इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इसको पीक पावर पी नॉट बोलते हो। इसका ग्राफ एनालिसिस करने पर ऐसा आएगा, गॉट इट? क्यों आएगा, एनालिसिस करके फिर से देखो। फॉर्मूला रिपीट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, पी नॉट को बाहर लाएंगे, डी डी टी ऑफ दिस टोटल, यहाँ चेन रूल लगेगा बच्चों, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ टू आएगा, फिर ये पूरा ब्रैकेट रिपीट होगा, फिर इस ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन का जीरो आएगा, माइनस माइनस रिपीट होगा। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करोगे, माइनस वन बाई टाउ, फिर ये रिपीट होगा, फिर ये प्लस होगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा टू पी नॉट बाई टाउ, ये भी क्वांटिटी ब्रैकेट के बाहर होगी, ब्रैकेट में इतना बचेगा। आपको पता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि टाइम के किसी भी रियल वैल्यू पर ये लेस देन वन होगा, तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, आई मीन फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, तो पीडी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेकेंड डेरिवेटिव अब निकालो, डी टू पी डी बाय डी टी टू, डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इस कांस्टेंट को बाहर निकालो, निकाल लिया, डी डी टी ऑफ दिस, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओ। बच्चों ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो आप रिवाइज कर लेना, इसको पूरा सॉल्व करने पर ये फाइनली इतना मिलता है। ये जो मिलता है ये जीरो भी हो सकता है, और सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होने पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का चांस है। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको मैंने जीरो किया, उस पूरे फंक्शन को रिपीट किया, इक्वल टू जीरो किया, ये जीरो नहीं होगा तो इसको जीरो किया, जीरो करने के बाद ट्रांसफ़र किया, सॉल्व किया, रेसिप्रोकेट किया, इतना आएगा, बोथ साइड का लॉग लेंगे ई बेस पर तो इतना आएगा, टी की वैल्यू टाउ एल एन टू आएगी, ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर ये तुम खुद से करके देखोगे, टी लेस देन टाउ एल एन टू पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, आई मीन कॉनकेव दिखेगा, टी ग्रेटर देन टाउ एल एन टू पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो कॉन्वेक्स दिखेगा।
बच्चों पीडी का ग्राफ इंक्रीजिंग कॉनकेव दिखेगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बाद इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स दिखेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद पी नॉट हो जाएगा और टी की वैल्यू टाउ एल एन टू ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। एनालिसिस करने पर आपको यही पता चला है। द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी पी बी, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बैटरी दैट इज ई एम एफ इन टू आई। आई का फॉर्मूला पुट कर लिया, इसे मल्टीप्लाई किया, कुछ इतना आएगा। स्क्वायर बाय आर को पीक पावर पी नॉट करते हो, इतना आएगा। और इसके एनालिसिस में पहले भी बच्चों कर चुका हूँ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड आता है और इनफाइनाइट टाइम पर यह जीरो हो जाता है, पी वी की वैल्यू पी नॉट हो जाती है, पी नॉट स्क्वायर बाई आर होगा और टी प्लस जीरो पर यह वन आएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू जीरो होगा और ये ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड आता है। ये फंक्शन में कई बार एनालिसिस कर चुका हूँ। देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डी यू बाई डी टी, एट टी इक्वल्स टी डी यू बाई डी टी इज डी डी टी ऑफ यू। इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ का टू आई इंटू डी आई बाई डी टी, टू को टू से कट करो, एल डी आई बाई डी टी को एक साथ लिखो इंटू आई, एल डी आई बाई डी टी को वी एल कहते हो, वी एल इंटू आई, वी एल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो, आई का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो, तो प्यारे बच्चों डी यू बाई डी टी का ये फॉर्मूला बनता है। और इसके एनालिसिस मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ बच्चों, बहुत डिटेल में किया हूँ, दो बार करने का कोई मतलब नहीं, मैं ग्राफ को केवल समझा दे रहा हूँ। एनालिसिस तो मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ, तो इसकी डिटेल एनालिसिस करने पर हम लोगों को क्या क्या पता चला था वो मैं ग्राफ में दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ पहले इंक्रीजिंग होता है, फिर पीक वैल्यू एक्वायर करेगा, फिर डिक्रीजिंग होगा, फिर इन्फिनिटी पर जाकर जीरो हो जाएगा। बच्चों इस ग्राफ में जो पीक वैल्यू होता है उस पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब यू का सेकेंड डेरिवेटिव, यू का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो करने पर इसका करेस्पॉन्डिंग टी सॉल्व होता है, सॉल्व करने पर टी की वैल्यू टाउ एल एन टू आती है, फिर टी की ये वैल्यू फार्मूले में पुट करने पर ये मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद बच्चों इस ग्राफ में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, इसके बाई तरफ ग्राफ कॉन्वेक्स दिखता है, दाहिनी तरफ ग्राफ कॉनकेव दिखता है, यानी कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होगा। डी बाय डी टी का सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब यू का थर्ड डेरिवेटिव जीरो होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने इसको थर्ड डेरिवेटिव निकाल के जीरो किया था, तो टी की वैल्यू टू टाउ एल एन टू आई थी, और फार्मूले में इसके फार्मूले में जब टी की जगह पे टू टाउ एल एन टू पुट करोगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो ये एनालिसिस मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ, आप उसको रिवाइज कर लेना। बच्चों अब इसमें नेक्स्ट आर्टिकल होगा वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। आपने देखा कि ग्रोथ ऑफ करंट में आपने बैटरी को सर्किट से कनेक्ट कर दिया था तो बैटरी वर्क करेगी, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में बैटरी का वर्क डी डब्ल्यू बी होगा, वो कैसे कैसे यूज होगा। इस वर्क का सर्टेन अमाउंट हीट में कन्वर्ट होगा रजिस्टर में, रिमेनिंग अमाउंट इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, आई मीन डी डब्ल्यू बी इक्वल्स डी एच प्लस डी यू, वो साइड को डी टी से डिवाइड कर दो, इक्वलिटी होल्ड करेगी। इसको पी वी बोलते हैं, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, इसको पावर डिसिपेटेड बोलते हैं पी डी, और ये आज इट इज डी यू बाई डी टी। बच्चों इन तीनों का फार्मूला अलग अलग डिराइव करे हो, तीनों फार्मूले को ला कर यहाँ पे पुट करके वेरीफाई करो कि इक्वल आया कि नहीं। तो बच्चों लेफ्ट साइड में पी वी पुट किया, राइट साइड में यहाँ पी डी पुट किया, फिर यहाँ डी यू बाई डी टी पुट किया, यहाँ से स्क्वायर बाई आर कॉमन लिया, होल स्क्वायर फार्मूले से इसको ओपन किया,
इसके तीन टर्म आएंगे इन दोनों के साथ ऐड किया तो ब्रैकेट में इतना बचेगा। लेफ्ट साइड को रिपीट किया। प्यारे बच्चों आप ठीक से देखो LHS और RHS एग्जैक्टली इक्वल आते हैं। फार्मूला पुट करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल्स राइट हैंड साइड। इसका मीनिंग ये हुआ कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वेरीफाई हो गया। हेंस एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरीफाइड, इज इट? सो प्यारे बच्चों आज टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। फिर जो कुछ भी बचा हुआ है उसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा। तो बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट में जितने फार्मूले थे उस सबका डेरिवेशन करा चुका हूँ। तो अगले एपिसोड में मैं करूँगा क्या, सभी डिराइव किए हुए फार्मूले को एक बार रिविजन करेंगे और हर एक फार्मूले से जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ की ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग करेंगे। बच्चों ग्राफिकल एनालिसिस डिटेल में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और बहुत सीरियसली वॉच करोगे तो आपको ग्राफ में कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं होगी। आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा कि कोई ग्राफ इंक्रीजिंग कैसे दिखता है, डिक्रीजिंग कैसे दिखता है, कॉनकेव कैसे दिखता है, कॉन्वेक्स कैसे दिखता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है, मैक्सिमा कब आता है, मिनिमा कब आता है। बस इतनी सी बातें बच्चों सीखनी होती है। और ग्राफ के लिए जो आपके मन में डर लगता है वो डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप अगले एपिसोड में मेरे साथ सीरियसली बने रहोगे और सीखने की कोशिश करोगे। प्यारे बच्चों कुछ बच्चों का एग्जाम चल रहा है, कुछ का होने वाला है। हर किसी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। सबका पेपर अच्छा हो, सब अच्छा परफॉर्म करें, सब अच्छा स्कोर करें और अपने करियर में आगे बढ़ें। अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों का नाम रोशन करें। सो प्यारे बच्चों इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।